अभी तक का मैंने बेस्ट कचौरी खाया। सी ही इज ऑल्सो ईटिंग, इसको कचौरी पसंद नहीं है लेकिन ये खा रहा है, बहुत टेस्टी है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज फ्रेंड सुमित और आज मैं निकला हूँ पुणे की सड़कों पर बेस्ट स्ट्रीट फूड की तलाश में। तो एक रिकमेंडेशन जो मुझे आया है वो है गजानन कचौरी का। अब ये फेमस क्यों है कि वहाँ जाके पता चलते हैं, तो चलो गजानन कचौरी चलते हैं, कचौरी टेस्ट करते हैं, अब देखते हैं कि आखिर ये फेमस क्यों है। लेट्स गो। फाइनली मेरे पास आ चुकी है मेरी गर्मा गर्म कचौरी और मैं इसको अब टेस्ट करके देखूंगा कि आखिर ये कचौरी इतनी फेमस क्यों है। गर्मा गर्म कचौरी कढ़ाई से निकलकर सीधा आपकी प्लेट में विद मूंग दाल स्टफिंग इनसाइड द कचौरी और ये तेज लहसुन की चटनी, यही एक कॉम्बिनेशन है जो इस कचौरी को इतनी टेस्टी और फेमस बनाता है। बहुत सही है, अभी तक का मैंने बेस्ट कचौरी खाया। सी ही इज ऑल्सो ईटिंग, इसको कचौरी पसंद नहीं है लेकिन ये खा रहा है, बहुत टेस्टी है। यस yes. रोहित गाइस, जितनी ये कचौरी मुझे पसंद आई है उतनी ही मेरे ऑफिस में सबको पसंद आई, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ ये वीडियो शेयर करना अपने उन फूडी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ऐसी चटपटी चीज़ें खाने का शौक है। सो गाइस, दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शोर। पुणे न सिर्फ एक एजुकेशनल हब है, साथ ही यह है एक फेमस टूरिस्ट प्लेस और इसका मेन अट्रैक्शन है यहाँ का शनिवार वाड़ा। आप भी मेरी तरह शनिवार वाड़ा घूमने आए थे और अब ये सोच रहे हो कि यहाँ पे खाने में क्या खाया जाए, क्योंकि लंच का टाइम हो चुका है, बजट फ्रेंडली फूड अगर आप ढूंढ रहे हो, मैं आपको लेके जाऊंगा शनिवार वाड़ा के आसपास एक ऐसी कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको जस्ट पेट में भी टेस्टी फूड खाने को मिलेगा। भरोसा नहीं है, करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको लेके जाऊंगा, तो चलो चलते हैं और फूड एक्सप्लोर करते हैं जो आपको टेस्टी फूड मिलेगा जस्ट इन 20 रुपीज। सो द फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ जो शनिवार वाड़ा के एकदम सामने है वो है सुदामा चेक पॉइंट। यहाँ पे आपको खाने को मिलेगा टेस्टी टेस्टी फूड इन जस्ट 20 रुपीज। फाइनली मेरे आप आ चुके हैं इंदौरी पोहे, जो आपको कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 20 रुपीज़ और टेस्टी पोहा है। आपको यहाँ पे और चीज़ और बहुत सी वैरायटी मिलेगी, चलो खा के इसको फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। गर्मा गर्म टेस्टी पोहे मिलेंगे आपको,
ट्राई जरूर करना। आफ्टर कम्प्लीटिंग माई पोहा अब मैं निकला हूँ अगली डिश की तलाश, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये शॉप आपको याद ही होगी, यहाँ पे हमने खाई थी 10 रुपये में थी। अगर उसका वीडियो आपने नहीं देखा है, आई बटन में लिंक आ रहा है, ज़रूर से देखना। 10 रुपये में आप बहुत सी चीज़ें हैं जो पुणे में खा सकते हैं। चलो अगले स्टॉप पे चलते हैं और देखते हैं कि 20 रुपीज़ में हम अगली चीज़ क्या खा सकते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें लगेंगी रास्ते में, देख करके आपको थोड़ा, जैसे आपको लाल महल लगेगा जहाँ शिवाजी महाराज ने बचपन दिखाया था, उसके बाद नानावाड़ा लगेगा, नाना साहेब पेशवा का जो वाड़ा है जो आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में। मसाला डोसा और सुदामा के पोहे, अब तीसरी चीज़ जो आपको टेस्ट मिलेगी और 20 रुपये मिलेगी वो है छोले भटूरे। नहीं आ रहा, चलो दिखा दो, आ जाओ। गरम मसालेदार छोले मिलेंगे आपको, थोड़े स्पाइसी है पर टेस्टी है, खा सकते हो। शनिवार वाड़ा के एग्जैक्टली सामने, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेंगे केपी के छोले भटूरे, खाना जरूर, बहुत टेस्टी है। तो फाइनली शनिवार वाड़ा के आसपास घूम के मैंने एक्सप्लोर की कुछ ऐसी शॉप जहाँ पे आप इन जस्ट 20 रुपीज़ अच्छा और टेस्टी खाना खा सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर करना ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो पुणे आने का प्लान बना रहे हैं और बजट ट्रिप करना चाहते हैं। ओके, इतनी भी बस एक प्लेट पोहा खाने का, आखिर ऐसा क्यों? हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज फ्रेंड्स सुमित राज। मैं आपको लेके आया हूँ पुणे के एक आइकॉनिक नाश्ता प्लेस जहाँ पे आपको पुणे के बेस्ट पोहे मिलने वाले हैं। क्या एक प्लेट पोहा के लिए इतना टाइम स्पेंड करना वर्थ है? अब वो तो पोहे खा के पता चलेगा। तो चलो चलते हैं और पोहे टेस्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिर इतना टाइम जो हम लगा रहे हैं पोहे लेने के लिए बर्थ है या नहीं। गाइस मैं आपको लेके आया हूँ अल्लास किचन, यही एक स्पॉट है जहाँ पे आपको टेस्टी पोहा खाने को मिलेगा, ऐसा मुझे रिकमेंडेशन मिला है। खाके देखते हैं कि एक्चुअली वे पोहा इतना टेस्टी है या नहीं। इसकी लोकेशन है शनिवार वाड़ा के एकदम अपोजिट। चलो अभी लोगों का नंबर लगाते देख लिया है पोहा के लिए, अपना नंबर लगाते हैं और देखते हैं टेस्ट करके आखिर पोहा टेस्टी है या नहीं। थोड़ी देर लाइन में खड़े रहने के बाद फाइनली मेरे हाथ में आके गर्मा गर्म पोहे जो दिखने में तो टेस्टी लग रहे थे, फुल ऑफ अनियन एंड पीनट्स, पर टेस्ट कैसा है ये तो खाने के बाद ही पता चलेगा। टेस्ट ऑसम था, थोड़ा टैंगी, थोड़ा स्वीट। पोहा लेने में जितना टाइम स्पेंड हुआ है उसके हिसाब से पोहा बहुत ऑसम टेस्ट है और कुछ हटके टेस्ट है। तो ट्राई जरूर करना अन्ना स्पेशल, यहाँ पे आपको टेस्टी पोहा मिलने वाला है। बिकॉज़ बहुत से आइटम अन्नास किचन एक 27-year-old शॉप है जहाँ पे पोहे के लिए सबसे ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ भीड़ इतनी होती है कि हर 10 मिनट में पोहे खत्म हो जाते हैं और इन्हें नए से पोहे बनाने पड़ते हैं। अब आप सोचो पोहे कितने टेस्टी होंगे। सो आप कब आ रहे हो यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना।
कॉलेज स्टूडेंट्स हो, सीनियर सिटीजन का ग्रुप या ऑफिस जाने वाले लोग, ये नाश्ता स्पॉट सबका फेवरेट है। अगर पोहा इतना टेस्टी हो तो वेट करना तो बनता है बॉस, ऐसे ही इतनी गर्दी नहीं यहाँ पे, ये तो मुझे समझ में आ गया। अब आपको भी अगर इसका टेस्ट लेना है तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करना, अन्नास किचन शनिवार अड़े के एकदम सामने है, सो ये टेस्ट आप जरूर इंजॉय करना। सो गाइज, दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। Guys and welcome back to the channel. This is Ravin Sumit aur aaj main aapko leke aaya hu original ice cream ko taste karwane. Original? Yes. Frozen dessert nahi khilaunga. Pure ice cream khilaunga. So aaj main aapko leke aaya hu Khatri ji Kulfi Roll and ice cream ki shop pe jahan pe aapko 22 flavors of ice cream and 9 flavors of Kulfi Roll dekhne ko milenge. Ab Kulfi Roll kyon? Is sawal ka jawab jaan ke lete hain iski owner Sumit Khatri ji se. To sir mujhe sabse pehle to ye bataiye ki Kulfi Roll banane ke piche ki story kya hai? Like sab log ice cream aur ye bechte hain. Yes. Aapne Kulfi Roll bech diya. ये क्या यूनिकनेस है? सुमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है खत्री जी कुल्फी रोल्स के शॉप पे। तो ये हमारा आइडिया हमको लॉकडाउन में आया था थोड़ा, कि कुल्फी रोल्स जैसे लोग खाते हैं, जैसे लोग मिठाई खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मिठाई में सब रेंज आ गई, हमने सोचा क्यों ना कुल्फी रोल्स में इतना सब रेंज लेके आओ कि लोग पसंद करें। उसमें हम काजू कतली लेके आए, तो काजू कतली का हमारा बेस बनता है, उसको हम कुल्फी के टेक्सचर के साथ मिक्स करते हैं, वो उसमें काजू कतली कुल्फी रोल्स बन जाते हैं। उसके बाद हमारा अंजीर है, अंजीर का भाई बेस हम रेडी करते हैं, जैसे आप अंजीर का मिठाई खाया रहेगा उसी को हम पहले प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास महाराज लोग आते हैं वो बेस रेडी करते हैं। फिर हमारा जो दूध रहता है उसमें प्योर बफेलो मिल्क रहता है, खोआ रहता है, उसका जो थिकनेस आता है दूध का, उसके बाद हम मशीन टर्नर होता है उसमें डालते हैं और प्रॉपर अंजीर डालते हैं, तो मिक्सिंग होगा। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कैसे बनता है सब कुछ। तो एक अंजीर रोल हो गया, शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा इज वेरी यूनिक। शाही टुकड़ा लोग शाही टुकड़ा खाते हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था हम शाही टुकड़ा कुल्फी रोल्स भी खाएंगे। तो शाही टुकड़ा है, उसमें कुल्फी रोल्स रहता है, उसका एक अलग टेस्ट है। उसके अलावा हमारे पास डेट्स है, खजूर होता है, हम खजूर आलमंड है उसमें ऐसा सिनेमन्स ऐड करते हैं, तो एक अलग यूनिकनेस बनता है हमारे फ्लेवर्स के साथ। तो ऐसे ही हमारे दिमाग में आया कि चलो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड आइसक्रीम लाइन का था, हम लोग को इन एंड आउट दोनों पता था, तो यही पूरा कोशिश है हमारा, वही सब किया है। मतलब आपने सारी मिठाइयों का कुल्फी में लेके कुल्फी रोल्स में मिठाई भी खाओ और कुल्फी भी खाओ। करेक्ट। आपकी मोस्ट फेवरेट डिश कौन सी आपके शॉप में? मेरे हिसाब से मेरी जो बेस्ट है, मेरे को जो पसंद है वो है पीना कोलाडा। ओके। इसमें टेंडर कोकोनट आता है और साथ में पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन है, पाइनएप्पल रोस्ट होता है और टेंडर कोकोनट का क्रीमीनेस आता है, तो दोनों कॉम्बिनेशन जो है पाइनएप्पल और टेंडर कोकोनट का बहुत बढ़िया आता है, सुनने में टेस्टी लग रहा है वो। करेक्ट। और हमारा मोस्ट सेलिंग है पान। Okay. हमारा पान बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया दिखता है, दिन में 100 से 200 स्कूप हम पान के बेचते हैं। पान मतलब आप खाएंगे तो आपको खुद पता पड़ेगा कि पान लोगों को फेवरेट क्यों है। ये तो बिल्कुल टेस्टी करेंगे, आ जाओ। यस। चलो अभी हम देखते हैं पान टेस्ट करके कैसा लगा। ऑसम। एक्चुअल पान का फ्लेवर है ये, तो मस्त बनता है, टेस्ट करना जरूरी है इसको। कौन सा फ्लेवर है ये? कोकोनट। ओके, अब कोकोनट ट्राई करेंगे। नारियल का जो स्वाद होता है ना, मिल रहा है। अभी मैं खा रहा हूँ चॉकलेट, अब इसको टेस्ट करते हैं ये कैसा है, आप देखते हैं। एक ये भी कम पैसे, प्योर गुड़ का। मेरे हाथ में आ गया है मेरा फेवरेट कुल्फी रोल, जिसके लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। चलो इसको खा के देखते हैं, बाद में बात करेंगे। ये हमारा अभी फर्स्ट आउटलेट है जो हम लेके आए हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि बाजार में जो घी आता था, फिर घी महंगा हो गया, लोगों ने डालडा खाना चालू कर दिया। Yes. तो सेम आइसक्रीम में हो गया, आइसक्रीम में बफेलो मिल्क कॉस्टली हो गया,
रॉ मटेरियल महंगे हो गए तो लोगों ने फ्रोजन डेजर्ट लाना चालू कर दिया, जिसमें एक मिल्क पाउडर रहता है और पानी रहता है, तो उसको बोलते हैं फ्रोजन डेजर्ट, ठीक है। बट हम क्या कोशिश करते हैं कि पुराना टेस्ट जो क्रीमीनेस है वो दिया जाए, इसीलिए हम आज भी प्रॉपर बफेलो मिल्क यूज़ करते हैं। उसमें बफेलो मिल्क में फैट परसेंटेज ज़्यादा लाने के लिए हम उसमें बटर ऐड करते हैं, ताकि वो फैट परसेंटेज कम से कम 9-10 फैट परसेंटेज आए, तभी वो आइसक्रीम में क्रीमीनेस आएगा। तो जर्नी हमारी ये थी कि हम पुराने बैकग्राउंड से हैं, हमारा आइसक्रीम का ही बिजनेस है जो कि बड़े बड़े होटल्स में सप्लाई करते हैं हम लोग, आज भी हमारा होटल सप्लाई का काम है। बट हमने सोचा कि क्यों ना ये एक आउटलेट चालू किया जाए जिसमें स्पेशल लोगों को वो क्वालिटी मिले जो लोग पसंद करते हैं। यार रेट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल है, पीपल केम हेयर, ओनली 10 लोग आते हैं, उनका एक बिल बनता है 500-550, वो बहुत खुश होते हैं। मतलब आप सबको ओरिजिनल आइसक्रीम क्या होती है उसका टेस्ट करवाना चाहते हो अपने आउटलेट के पास। यस, टेस्टी कुल्फी रोल खाने और ढेर सारी आइसक्रीम टेस्ट करने के बाद फाइनली मुझे देखने को मिली आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस जो सुमित जी ने मुझे दिखाई, और इसी के साथ आज का दिन खत्म हुआ। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इंडिया शोर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइज दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून टू इंडिया शोर। चैलेंज हार के कैसा लग रहा है तेरे को? चैलेंज हार के, अरे बहुत, ये लस्सी बहुत ठीक है तो खाने को भी टाइम लग रहा है, ठीक है ना, हार गया होता रहता है, हार जीत तो होती है। नेक्स्ट टाइम आऊँगा प्रैक्टिस करके, तब एक मिनट में खत्म कर दूंगा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज फ्रेंड सुमित, और आज मैं आपको लेके आया हूँ पुणे के वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोल्ड ड्रिंक सेंटर, द ग्रेट पूना कोल्ड ड्रिंक हाउस। अभी शॉप को विजिट करते हैं और यहाँ की बेस्ट जो चीजें होगी वो खाते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे आके फेमस क्या है, लेट्स गो। यहाँ पे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लाइक आइसक्रीम, कुल्फी, फालूदा, शेक, कोल्ड कॉफ़ी एंड सो मेनी थिंग्स। तो गाइज मैं और वैष्णव एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं कि सबसे पहले लस्सी कौन खत्म करेगा। वैष्णव रेडी है तू? देखते हैं कौन जल्दी टाइम से। चलो योर टाइम स्टार्ट्स। खाना है तीन दिन मेरी मर्जी, खत्म तो कर रहा हूँ ना। ये चीटिंग मत कर यार। बाकी है मेरा खत्म हो गया पूरा का, तो मैं इतना नहीं खा रहा, मतलब मैं इतना हार गया, मतलब बाकी बाकी नहीं खा रहा। बाकी का कहाँ था? टेस्ट कैसा था? एक नंबर भाई, एक नंबर। चैलेंज हार के कैसा लग रहा है तेरे को? चैलेंज हार के, अरे बहुत, ये लस्सी बहुत ठीक है तो खाने को भी टाइम लग रहा है, ठीक है ना, हार क्या होता रहता है, हार जीत तो होती है। नेक्स्ट टाइम आऊँगा प्रैक्टिस करके, तब एक मिनट में खत्म कर दूँगा। चल ठीक है, देखते हैं, अभी भी खा रहा है। सो गाइस ओवरऑल यहाँ का टेस्ट एकदम बेस्ट है,
तो मुझे अच्छा लगा, मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज यहाँ पे विजिट जरूर करना। वैष्णव देखो कैसा लगा भाई, मैं तो सबको बोलूंगा कि यहाँ की लस्सी बिल्कुल बिल्कुल एकदम आके ट्राई ही करना, क्योंकि यहाँ की लस्सी सबसे बेस्ट है आज तक की मैंने खाई हुई, तो जरूर विजिट करना। ग्रेट पूना कोल्ड ड्रिंक की लस्सी खाने के बाद ये तो मेरी और वैष्णव की फेवरेट बन चुकी है। चलो इसके ओनर से भी पूछते हैं कि आखिर उनकी फेवरेट डिश कौन सी है। मनोज सर, मुझे सबसे पहले तो ये जानना है कि आपकी सबसे फेमस डिश यहाँ पे क्या है, पॉपुलर कौन सी? आइसक्रीम फालूदा कुल्फी फालूदा। आपकी यहाँ की सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? आइसक्रीम फालूदा कुल्फी फालूदा लस्सी ऑल थ्री या ऑल टाइम फेवरेट। और कस्टमर की सबसे फेवरेट कौन सी है जो मोस्ट सेलेबल है? आइसक्रीम फालूदा। आइसक्रीम फालूदा, आइसक्रीम फालूदा। ओके मनोज सर, जस्ट मुझे आपके शॉप के बारे में एंड जो जर्नी आपने की है, लाइक आपके फादर साहब ने शॉप स्टार्ट की थी, अभी आप इसको चला रहे हो, तो आपके जो एक्सपीरियंस है उस टाइप में कुछ बातें बताइए। ऑल स्टार्टेड इन 1973, माय डैड एंड अंकल स्टार्टेड, बस उसके बाद ऑलमोस्ट 50 साल अभी भी कंप्लीटेड नाउ 2023 में। सो मी एंड माय ब्रदर आर टेकिंग केयर ऑफ इट ऑलमोस्ट मेक 20-25 ईयर्स नाउ, मोर देन दैट मे बी, पर अच्छी जर्नी है। वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल ट्राइंग टू लर्न फ्यू थिंग्स एंड चल रहा है, सो फार सो गुड। ये सारी चीज़ें आप यहीं बनाते हो? यस, ऑल इन हाउस, एवरीथिंग इज इन हाउस। ओके, आपने ज्वाइन कैसे किया शॉप, लाइक कब फादर का आपने स्टडीज वगैरह कुछ किया? स्टडीज वी पार्ट टाइम एट दिस एंड सिंस कॉलेज वाज आल्सो देयर, सो दोनों चीज साथ में साथ हो जाते हैं। ओके, पार्ट टाइम ही, देन आफ्टर कॉलेज फुल टाइम इधर ही आ गए। सो यूट्यूब इंस्टाग्राम से लोग आते हैं, आपको कैसा फील होता है? इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी वेरी इंकरेजिंग और अच्छा लगता है कि लाइक पीपल सी एन इंस्टाग्राम पोस्ट एंड देखा अच्छा है, गुड रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू। आपको कोई यादगार किस्सा शॉप के साथ? मैंने ऐसे तो बहुत है, मे बी कपल ऑफ मंथ्स बैक कस्टमर एट कम, तो उसने वो देख के उसका एक्चुअली सर दुख रहा था, तो उसने लिखा कि आइसक्रीम सॉल्व्स एवरीथिंग, तो उसने मेरा सर एक्चुअली दुख रहा था और अभी ठीक हो गया, तो आइसक्रीम खाने के साथ इट वॉज अ गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही गॉट। मतलब जो आपने लाइन लिखी है उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसको मिला? हां, दैट्स द पॉइंट, वेरी एंड एक्चुअली सॉल्व्ड हिज हेडेक। ओके ऐसा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेट पूना कोल्ड ड्रिंक हाउस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, विजिट एट पूना कोल्ड ड्रिंक हाउस अगर आपको टेस्टी आइसक्रीम, लस्सी या फालूदा खाने की इच्छा हो। ओके, दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शो।